कांग्रेस कमेटी अमरोहा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आज जिला एवं शहर कांग्रेस पार्टी अमरोहा के अध्यक्ष ओंकार सिंह कटारिया उनके साथी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा जी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री ओंकार सिंह कटारिया ने बताया कि भाजपा सरकार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार कम हो रही है, इसीलिए केंद्र की भाजपा सरकार को डीजल एवं पेट्रोल गैस के दामों में भारी कमी करनी चाहिए, जिससे भारत के नागरिकों को महंगाई से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी भाजपा सरकार गैस, पेट्रोल, डीजल इन सभी के दामों में बढ़ोतरी कर रही है और जनता को अधिक महंगाई की मार झेलने को मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश की जनता को लगातार भ्रष्टाचार और महंगाई की आग में झोंक रही है। ऐसा लगता है कि सरकार को देश की जनता के सुख दुख और भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे ओमकार सिंह कटारिया, राजेंद्र सिंह, परवेज सिद्दीकी, जयपाल। क्या नाम है आपका? ओमकार सिंह कटारिया नाम। बताइए। आज हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, हमारे नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर, हमारी प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर, जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के लोग जनपद अमरोहा की कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं और हम अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाकर तेल में, डीजल और पेट्रोल और गैस के दामों में भारी वृद्धि की है। उसके विरोध में हम लोग धरने पर बैठे हैं और जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भिजवाएंगे और हमने मांग की है कि ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए जो देश की जनता को महंगाई और भ्रष्टाचार की आग में झोंक रही है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें में भारी गिरावट हुई है, उसके बावजूद भी सरकार को दाम गिराने चाहिए थे, गिराने के बजाय उल्टे और 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। सरकार ने वृद्धि कर देश की जनता को महंगाई की आग में झोंका है, भ्रष्टाचार की आग में झोंका है। कांग्रेस पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार और यूपी सरकार की नीतियों का लगातार विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी और हम जनता के हक की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करेगी।